दोस्तों, आपने वर्ल्ड वॉर टू के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी में हुए एटॉमिक डिजास्टर के बारे में तो जानते ही होंगे, पर क्या आपको पता है 26 अप्रैल 1986 में यूक्रेन की चार्नोबिल डिजास्टर, जो कि एक परमाणु या एटॉमिक डिजास्टर है जिसको खतरनाक परमाणु डिजास्टर में से एक गिना जाता है। दरअसल 26 अप्रैल 1986 की लगभग रात 1 बजे चार्नोबिल पावर प्लांट की 4th न्यूक्लियर रिएक्टर की सेफ्टी टेस्ट के दौरान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या तकनीकी खराबी होने की वजह से वो रिएक्टर फटने के दौरान हुआ, और इस दुर्घटना की वजह से 8 टन रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैल गया। कहा जाता है 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को रेडिएशन की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। आज भी उस पावर प्लांट के 30 किलोमीटर के दायरे में किसी भी इंसान का जाना भी मना है, क्योंकि आज लगभग 40 सालों के बाद भी वहां के हर एक चीज रेडियोएक्टिव है। रेडियोएक्टिविटी जिंदा सेल में कैंसर पैदा करता है, जिसके वजह से कोई भी जीव का बहुत ही जल्दी मौत हो जाता है।